सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में दुकानदारों को मराठी बोर्ड लगाने के आदेश के बाद भी नागपुर मनपा क्षेत्र में कई जगह पर बोर्ड बदले नहीं गए हैं, जिसके चलते उत्तर नागपुर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना द्वारा सतरंजीपुरा जोन सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर नागपुर मनसे शाखा अध्यक्ष शुभम हागे के नेतृत्व में 5 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बिना मराठी प्लेट वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सतरंजीपुरा जोन के सहायक आयुक्त को ज्ञापन दिया गया था। इस दौरान सहायक आयुक्त ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई का आदेश हमारे पास नहीं पहुंचा है। इसलिए कमिश्नर ने मनसे प्रतिनिधि मंडल को सूचित किया कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में दुकानदारों और प्रतिष्ठानों को 2 महीने की अवधि दी गई थी, जिसकी अवधि 25 नवंबर तक थी। इस अवधि के समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के नगर निगमों को जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के 10-12 दिन के बाद भी नागपुर महानगर पालिका के सतरंजीपुरा जोन के कमिश्नर को आदेश की कॉपी नहीं मिली है। यह काफी चिंतनीय स्थिति है, ऐसा प्रतिपादन शुभम हागे ने किया है। इस समय उत्तर नागपुर उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटिल, विभाग सचिव सुनील गवई, शाखा अध्यक्ष संदीप चोरे, शाखा अध्यक्ष सुबोध गढ़पाली और सलाहकार रतन मते आदि उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए मनीष टिमरी की रिपोर्ट।